लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस हाउस फ्लिपर। और कल मैं गया था अंकल रॉबिन्स के घर उनकी बेटियों का कमरा पेंट करने, और मैंने वो पेंट किया। अंकल रॉबिन्स को बहुत पसंद आया और मुझे मेरे पैसे दे दिए गए। और अभी फिलहाल मैं हूँ अपने घर की छत पे, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और हवा चल रही है जो कि दिमाग और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बात तो सही है। लिहाजा ये देखो, मैंने ये घोड़ी लगाई हुई थी यहाँ से, और अब मैं चलता हूँ नीचे। घर को चलते हैं क्योंकि काम धंधा भी देखना है, और आज देखते हैं हमें किसने इनवाइट किया है अपने घर पे काम करवाने के लिए। तो आज के मेरे क्लाइंट हैं मैट मार्लो, और मैट मार्लो कह रहे हैं कि मोहब्बत का आगाज हो गया था और अब मोहब्बत का अंजाम हो रहा है। तो अंकल ने कहा है कि उनकी बेबी गर्ल आ रही है, तो उनको जो है एक कमरा चाहिए अपनी क्यूट लिटिल गर्ल के लिए। तो अंकल कह रहे हैं कि मेरी बेटी का कमरा बना दो, तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे उसमें अपनी बच्ची के लिए खिलौने चाहिए, एक कार चाहिए, और उनकी बेटी का कमरा पेंट करना है रोज कलर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ अंकल मैर्लो के घर पे, और वेलकम मेरा हमेशा इसी गंद से ही होता है। फिलहाल मुझे कमरे देखने, तो ये है हमारा किचन विद लिविंग रूम, इसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। ये आ गया अपना वॉशरूम, ये है बेडरूम अंकल और आंटी का, और ये मेरे ख्याल से रूम होगा उस छोटी बेबी का। ये गंद उठाता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले जो है ना, ये जो इन्होंने गंद मारे हुए ना दीवार पे, ये साफ करना है। ये हो गया साफ। छोटी को हमने देना है जी एक प्यारा सा कमरा, उसके अंदर बहुत सारे टॉयज। बाथरूम हो गया है साफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लगाना नहीं था, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब मैं निकालता हूँ इस सारे गंद को। डब्बे उठाओ भाई साहब फटाफट, ये मैं बाद में साफ कर दूंगा, क्योंकि जो है ना ये सबसे इजी काम होता है, ये हो जाता है। लेकिन जो गंद है ना, मुझे गंद जो है वो इरिटेट करता है बहुत ज्यादा। ये देखो इतना सारा ये यहाँ पे कचरा ही कचरा, ओहो हो कचरा ही कचरा, आए हाय हाय हाय, ओहो ये भी तो रूम है यार। इन्होंने बेड भी नहीं बनाया, या इन्होंने नया घर लिया होगा ना, तो इसलिए इन्होंने बेड नहीं बनाया। ये तो पेंट होगा, ठीक है कचरा सारा हो गया मेरा। अब मैं वापस कमरों में घुस के ना एक दफा नजर मार रहा हूँ कि कहीं कोई गंद रह तो नहीं गया, अगर रह जाएगा तो फिर वो बाद में हो जाएगा। ठीक है, इस कमरे का सबसे छोटा काम है सफाई करनी है, और सफाई ही करनी है। निकालो अपना पोचा और मारो यहाँ पे नीचे, जो भी गंद है वो फटाफट से हो जाए साफ, और मेरे टेंशन हो खत्म। मैं लूं अपने पैसे और फिर घर जाके मैं जाऊं सो। ये भी हो गया। अब बारी है विंडो क्लीन करने की, तो चल मेरा भाई टाकी मार, जल्दी जल्दी टाकी मार। ये वाली विंडो भी हो गई डन, और यहाँ पे लगा हुआ है गंद, ये भी हो गया डन। इस कबर्ड, छोटी कबर्ड होती है, टेबल होती है, जो भी होती है, ये भी मैंने कर दी साफ, और ये कोने में लगा हुआ है गंद। दरवाजा करेंगे हम बंद। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। ये वाला कमरा पूरा हो चुका है, सब कमरे तो रह रहे हैं भाई अभी। ये बेड बनाना है तो बेड बना देता हूँ मैं। बन भी गया, नाइस भाई। ये मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बेड बन भी जाते हैं इस गेम में। बाहर निकलो सर, ये वाला कमरा हमारा पूरा डन नहीं हुआ, पर मुझे अभी भी डर्ट दिखा रही है। यहाँ पे ये लगी हुई है ना डर्ट, हाँ, और मेरे ख्याल से अगर मैं इसको हटा दूं, ये लगा ना गंद। बेटा तू मुझे छुप नहीं सकता, समझा ना। इस रूम का हमने चप्पा चप्पा क्लीन कर दिया है, तो चलते हैं अगले रूम में। और भाई भाई अंकल को सल्यूट, अंकल को 21 तालियों की सलामी। अंकल ने रेडिएटर पहले से लगवा के रखा हुआ है, नहीं तो मैं जहां जाता हूँ मुझे रेडिएटर खुद लगाना पड़ता है। अंकल पप्पी, ओके बहुत हो गया, नेक्स्ट रूम में। लेकिन पहले सफाई, और ये वाला भी कर दो, ये वाला भी कर दो। अंकल कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़की आ रही है, तो लड़की को जो है वो पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हमने दीवार भी जो पिछली ये वाली दीवार है पिंक कलर की करनी है। अंकल कर देंगे, कोई इशू ही नहीं है। चलो पहले ये हो जाए, उसके बाद मैं पेंट मंगवा के पिंक कलर करना स्टार्ट कर दूंगा। और मुझे यहाँ पे लाना है एक बेबी कोट आएगा, एक बुक केस आएगा, एक कैबिनेट आएगा, और एक पूफ आएगा। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज पूफ। विंडो 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 रह गई ना, विंडो कर देंगे हम क्लीन। चलो जी अब मंगवाओ पेंट। हाँ भी टिचकुले पेंट लाया ना, टिचकुले बिल्कुल पेंट लाया। और आई थिंक एक ही दीवार करनी है, मैं मीडियम ले लेता हूँ। बाल्टी बाल्टी रखो यहाँ पे, निकालो अपना रोलर और दरवाजा कर दो बंद। यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट।
पेंट सारा मुकम्मल हो चुका है और ये हमारी लास्ट वॉल और पेंट हो गया डन। ये डब्बे बेच दो, आगे काम आएंगे हमारे। और अबे भाई भाई ये क्यों नहीं दिखा मेरे को, और ये तो मुकम्मल साफ है। हाय 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 किचन कैसे रह गया भाई, ये मैं कैसे भूल गया। बेबी का कमरा तैयार करना था भाई, अब मैं यहाँ लग गया क्योंकि गंद नहीं चाहिए अपने को। सोफा भी गंदा, आ हा हा हा। और ये देखो यार पहले कितना गंदा था और अब कितना प्यारा है, और मेरी एक स्किल अनलॉक हो गई भाई। चलो भाई किचन भी हमारा साफ हो गया है, ये नहीं हुआ ना। और यहाँ की विंडो साफ करनी है और आई थिंक बस हो जाएगा सारा डन भाई। और ये नीचे वाला गंद ये भी डन। लेट मी चेक, ये वाला रूम हमारा डन है, किचन और लिविंग रूम भी डन है। अपना बाथरूम तो मैंने सबसे पहले क्लीन कर दिया था ना, सारे रूम अपने डन हो चुके हैं। और अब मैं आराम से बेबी का रूम तैयार करूंगा, और मुझे अब चाहिए एक बेबी कॉट, एक बुक केस, और कैबिनेट और एक पोफ। ये बेबी कॉट आ गई, ये बुक केस, ये कैबिनेट और पूफ। अच्छा वो बैठने वाला बीन बैग कह लो यार, ये पूफ आ गया। तो कमरे की जो थीम है वो है जी पिंकी, तो मुझे चाहिए होगा इसके लिए वायलेट, लिली। आई थिंक लिली बेटर एक चॉइस रहेगी पिंक के लिए, मैं करके देख लेता हूँ। हाँ ये बेटर चॉइस रहेगी इसके लिए। इसको रखूँ मैं कहाँ पे, फिलहाल ये इधर आएगा। और मुझे अब चाहिए एक कार्ट, ये मैंने ले ली बेबी कार्ट, सॉरी मैं कार्ट कह रहा था। वाइट इज अ गुड चॉइस, लेकिन भाई अपना दिल नहीं मान रहा उस पे। सर्च करता हूँ कि पिंक के साथ कौन सा कलर जो है वो सही लगता है। अकॉर्डिंग टू गूगल पिंक के साथ ग्रे कलर भी अच्छा लगता है और लाइट ब्लू भी अच्छा लगता है, तो मैंने ये दोनों ले लिए हैं। अपनी जो कॉट है वो ग्रे की है, लेकिन जो अंदर उसके मैट्रेस है वो लाइट ब्लू कह लो, तो मैं ये ले लेता हूँ। और ये मैं रखूँगा यहाँ पे, बच्ची हमारी इधर, मेरी नहीं अंकल मैट की जो है वो यहाँ पे लेटेगी सोएगी, समझ आ गई ना आप लोगों को। और अब चाहिए बुकेस, ये भाई क्या चिकना लग रहा है, ये आएगा यहाँ पे। इसके अंदर मैं रखूंगा टॉयज, ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आनी है कैबिनेट, ये आएगी यहाँ पे। ओके हो गया। पूफ दो लेनी है क्या, चलो मैं दो ले लेता हूँ। एक पूफ जो है वो मैं यहाँ रख देता हूँ, इस जगह आ जाएगी, जिसने बैठना है बैठ जाए। ओके अपना जो तकरीबन सारा काम था वो हो चुका है डन। और अंकल की जो निक्की है मैं उसके लिए लाया हूँ तोहफा, और वो तोहफा मैं रखूंगा इन कैबिनेट के अंदर। तो मैं अपना तोहफा निकाल लेता हूँ, फिर मैं रख के आप लोगों को बताता हूँ कि मैं उसके लिए क्या तोहफा लाया था। 3 2 1 हियर वी गो। मैंने बेबी को ये अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट दे दिया, ये सारे टॉयज और ये एक फोटो फ्रेम। जब वो आएगी तो उसकी फोटो यहाँ लगेगी न्यू बॉर्न की। और ये छत पे फ्लोरोसेंट्स मैंने स्टार लगा दिए, रात को जो है ना झिलमिल करते हैं। और लाइट्स कर दो ऑफ, और अब देखो आप ये रात को जो है ना ऐसे चमकते हैं। जब बेबी यहाँ पे, किधर गई हमारी कोट, यहाँ पे सोएगी तो वो रात को जरा स्टार्स देख लेगी, यही तो होता है बच्चों की ख्वाहिश। ओके अंकल मैट, आई होप आपको मेरा ये जो कारकर्दगी है आपकी छोटी बेबी के लिए आपको पसंद आई होगी, और आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।